कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best। शाहरुख खान की ये फिल्म 1999-2000 में आई थी, मगर आज वो जो गाना है ना पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है, पूरी तरह से मौजूदा वक्त में लागू हो रहा है दोस्तों। फिल्मी बातें विद अभिसार। इसमें दो राय नहीं है कि इस उम्र में 57 साल की उम्र में जब शाहरुख 60 के पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार हैं, अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार। दोस्तों पठान ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जवान का तूफान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, सैटरडे और संडे में शानदार हाउसफुल फिल्म। बेशक मंडे में जाकर कम हो जाए, गिर जाए, वो मैं नहीं जानता हूं, उसके लिए मंडे ट्यूसडे का इंतजार करना पड़ेगा। मगर शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि उम्र के इस पड़ाव में, जबकि 2014 के बाद उन्होंने कोई बहुत बड़ी सुपरहिट नहीं दी, बावजूद उसके जनता में उनको जो लेकर क्रेज है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये ना भूलें अभी इस साल में शाहरुख की 2 और फिल्में आने वाली हैं। टाइगर 3 में बताया जा रहा है कि उनका 20 मिनट का कैमियो है, और फिर साल के अंत में राजकुमार हिरानी की डंकी। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मेरा यह पर्सनली मानना है कि जहां पठान यहां थी, जवान उससे थोड़ी कम, मगर जब डंकी आएगी ना, डंकी इन दोनों से ऊपर होगी। बॉक्स ऑफिस पर होगी या नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, मगर बतौर फिल्म यह फिल्म पठान और जवान से कहीं बेहतर होगी। हालांकि मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि भैया जवान और पठान तो एक्शन फिल्म है, आप डंकी से उसकी क्या तुलना कर रहे हैं। नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूं, मगर यह ना भूलें राजकुमार हिरानी वो आदमी है जो बहुत ही अलग किस्म के मुद्दे लेकर आता है और बावजूद उसके फिल्म सुपरहिट हो जाती है। मसलन मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, ये दोनों फिल्में सोशल इश्यूज पर बनी हुई थी। पीके तो हमारे धर्म के अंदर जो धर्मांधता है, जो अंधविश्वास है, उसे एक्सपोज कर रही थी। एक बहुत बड़ा तबका उसे बॉयकॉट करने की बात कर रहा था, फिर भी सुपरहिट हो गई। संजू पर गौर कीजिए दोस्तों, संजू तो संजय दत्त पर बनी फिल्म थी जिनकी कोई फिल्म नहीं चल रही थी, मगर बावजूद उसके इस फिल्म ने शायद 500 करोड़ तक कमाए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर थ्री इडियट्स 3 कॉलेज के फ्रेंड्स पर आधारित फिल्म थी, उस फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे दोस्तों। ये राजकुमार हिरानी की ताकत है, और जब राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान मिल जाते हैं ना दोस्तों, तो कोई जवाब नहीं। तो मुझे इंतजार डंकी का भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों इस साल पठान और जवान धूम मचा चुकी है, टाइगर 3 आने वाली है और फिर डंकी आने वाली है, और फिर अगले साल टाइगर वर्सेस पठान। और आप भी जानते हैं जवान जिस तरह से खत्म होती है उसका भी सीक्वल आ सकता है, पठान का भी सीक्वल आएगा, तो क्या यह आदमी रुकने का नाम लेगा। और आज जो बड़ा मुद्दा मैं अपने कार्यक्रम में उठा रहा हूं कि क्या शाहरुख खान बॉलीवुड के आखिरी सुपरस्टार हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि बॉलीवुड अगले 100 साल में खत्म नहीं हो जाएगी, ये जो मैं दावा कर रहा हूं जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में कोई ना कोई ऐसा बड़ा एक्टर आएगा जो शायद शाहरुख खान से भी बड़ा स्टार बन जाए, सुपरस्टार बन जाए। हम नहीं जानते वो अनदेखा व्यक्ति कौन है, मगर आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। आज मैं कुछ ऐसे दावे करने वाला हूं दोस्तों जो बहुत बड़े दावे हैं। आपको कुछ चेहरों पर गौर करना पड़ेगा जो शाहरुख खान के सुपरस्टारडम को चुनौती दे सकते हैं मगर नहीं दे पाएंगे। सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन और इंडस्ट्री की तमाम सोच, तमाम भविष्यवाणियों को गलत साबित करके गदर 2 के साथ आने वाले सनी देओल,
जिनकी गदर 3 भी आएगी, बॉर्डर 2 भी आएगी, और ये दोनों फिल्में यानी कि गदर और बॉर्डर बड़े बड़े ब्रांड्स का हिस्सा हैं। यानी कि ये आदमी 67 साल की उम्र में एक मास सुपरस्टार बनता दिखाई दे रहा है। मगर जैसे मैंने कहा ना, इनमें से एक भी व्यक्ति शाहरुख खान को चुनौती नहीं दे पाएगा, और मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, इस वक्त अगर इन तमाम एक्टर्स में किसी में दम दिखाई दे रहा है तो वो सनी देओल में। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि सनी देओल इस वक्त इंडस्ट्री के एक मास सुपरस्टार हैं, एक मास एक्टर हैं। मगर अगर आप सनी देओल की पूरे करियर पर निगाह डालें तो गदर 1 और गदर 2 को छोड़ के उन्होंने एक भी, गौर कीजिएगा, एक भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं दी है। उनकी फिल्में हिट हुई हैं जैसे कि घायल, त्रिदेव, जीत, मगर ये सुपर हिट रही हैं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं कह सकते। मगर दूसरी तरफ एक सुपरस्टार के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स दे और लगातार देते रहे, और शाहरुख खान ने लगातार दिए हैं। जवान पठान के अलावा चेन्नई एक्सप्रेस, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, पूरी फहरिस्त है दोस्तों ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की जो शाहरुख खान ने दी है, सलमान ने दी है, जमाने में अमिताभ बच्चन दिया करते थे, सनी पाजी वो नहीं कर पाए। हां, गदर एक प्रेम कथा के बाद अगर सनी पाजी फिल्मों को लेकर सीरियस रहते और अगर अच्छी फिल्मों का चुनाव करते दोस्तों, तो मैं एक दावा कर रहा हूं, सनी देओल जैसी पॉपुलैरिटी किसी की नहीं होती। वो अपने पिता से भी आगे चले गए हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि धर्म पाजी भी जब अपने शबाब पर थे ना, तो उनकी ऐसी फैन फॉलोइंग नहीं थी जैसा कि सिनेमा हॉल्स में सनी देओल को दिखाई देती है। मगर बावजूद इसके सनी पाजी जो हैं वो ऑल टाइम सुपरस्टार नहीं बन पाए। आज शाहरुख खान ने वो कर दिखाया है दोस्तों जो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार नहीं कर पाए। और दोस्तों अगर मैं ये बात कह रहा हूं ना, तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार मेरे लिए एक्टिंग के खुदा हैं। एक तरफ अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार, और उसके बाद जाके मेरे लिए एक्टिंग में शाहरुख खान आते हैं। इन दोनों के मुकाबले मेरे हिसाब से एक्टिंग में शाहरुख कुछ नहीं है, बावजूद उसके आज मैं दावा कर रहा हूं, और क्यों मैं बता रहा हूं, गौर कीजिएगा जो मैं आपसे कहने वाला हूं दोस्तों। अमिताभ बच्चन की 90s में आखिरी बड़ी फिल्म आती है खुदा गवाह, और उसके बाद 5 साल का रिटायरमेंट ले लेते हैं। 5 साल बाद उनकी मृत्युदाता आती है, कोहराम आती है, सुपर फ्लॉप, सूर्यवंशम आती है, वो बेशक सोनी मैक्स पर हिट जाए मगर वो भी फ्लॉप। बड़े मियां छोटे मियां आती है ये फिल्म, मगर इससे अमिताभ को और नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उनका मुकाबला था चीची के साथ, गोविंदा के साथ, और गोविंदा के सामने अमिताभ बच्चन पूरी तरह से बिखर गए, पूरी तरह से बौने साबित हुए, अमिताभ बच्चन डिप्रेशन में चले गए, और फिर कौन बनेगा करोड़पति आया। अमिताभ ने वापसी की मगर टेलीविजन में, फिर यशराज फिल्म्स की मोहब्बतें में आई जिसमें अमिताभ को मिला फिल्म फेयर अवार्ड, और उसके बाद एक के बाद एक अमिताभ बेहतरीन किरदार निभाते गए, सरकार, ब्लैक, पा, बंटी बबली, और न जाने कितनी बेहतरीन फिल्में अमिताभ बच्चन ने दी दोस्तों। ब्लैक और पा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और मैं आपको बता दूं जब ब्लैक रिलीज हुई थी, दिलीप साहब अमिताभ बच्चन का इंतजार कर रहे थे सिनेमा हॉल के बाहर, और गले लगाया था, उनकी आंखों में आंसू थे। दिलीप साहब की आंखें बोल रही थी कि जो किरदार तुमने ब्लैक में किया है उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मगर बावजूद उसके अमिताभ बच्चन दोबारा सुपरस्टार नहीं बन पाए। शाहरुख खान 57 ईयर्स के हैं, वही उम्र जो अमिताभ बच्चन की थी मृत्युदाता कोहराम के आसपास, मगर बावजूद उसके शाहरुख एक के बाद एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स दे रहे हैं। पठान, जवान, आने वाली है डंकी, और यह सिलसिला रुकने नहीं वाला है। यानी कि जो बात अमिताभ बच्चन नहीं कर पाए वो शाहरुख अब कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेरे एक और पसंदीदा दिलीप साहब की तरफ। दोस्तों दिलीप साहब 70s में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए थे, उनकी कोई भी फिल्म नहीं चल पा रही थी, और फिर उन्होंने एक सबैटिकल ले लिया, एक ब्रेक ले लिया। वो वापसी करते हैं क्रांति के साथ जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाती है।
शक्ति शानदार फिल्म, विधाता सुपरहिट, कर्मा सुपरहिट, सौदागर, इन तमाम सुपरहिट फिल्मों के बावजूद दिलीप कुमार दोबारा सुपरस्टार नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दिलीप कुमार दोबारा वापसी करते हैं उस वक्त एक व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा होता है जिसका नाम होता है अमिताभ बच्चन, वन मैन फिल्म इंडस्ट्री। इसीलिए दिलीप साहब कुछ नहीं कर पाए। उसी तरह से बेशक अमिताभ बच्चन अच्छी फिल्में दे रहे थे मगर उनके सामने शाहरुख खान जैसी आंधी थी जिनकी तमाम फिल्में चल रही थी, सलमान खान जैसे स्टार थे जिनकी तमाम फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हो रही थी और आमिर खान भी थे। तो जाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन जो बुजुर्ग और कैरेक्टर रोल्स निभा रहे थे वो दोबारा सुपरस्टार बन ही नहीं सकते थे। मगर शाहरुख ने उस सोच को, इंडस्ट्री के उस चलन को तोड़ दिया। 57-58 साल की उम्र में भी शाहरुख दोबारा सुपरस्टार बन रहे हैं। और एक बार दोस्तों, और ये बात शाहरुख खान के फैंस को पसंद नहीं आने वाली है, दोस्तों बतौर एक्टर शाहरुख उस एक्टर बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते जो अमिताभ बच्चन हैं, जो दिलीप साहब हुआ करते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं मानता हूं शाहरुख खान सुपरस्टार हैं और मैं मानता हूं कि शाहरुख ने वो कर दिखाया जो अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब भी नहीं कर सके, मगर बतौर एक्टर शाहरुख उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। दिलीप साहब को देखिए दोस्तों, विधाता जैसा, शक्ति जैसा किरदार उम्र के उस पड़ाव में, क्रांति जैसा किरदार उम्र के उस पड़ाव में, और उनके पूरे फिल्म करियर पर आप निगाह डालें, अंदाज हो, देवदास हो, लीडर हो, राम और श्याम हो, और अमिताभ बच्चन, क्या शाहरुख खान कल्पना कर सकते हैं ब्लैक जैसा रोल करने में या पा जैसा रोल करने में जिनमें आप उनकी शक्ल भी नहीं पहचान सकते, या अग्निपथ जैसा रॉकस्टार किरदार? मैं आपको क्यों बतला रहा हूं, मैं आखिर क्यों कह रहा हूं कि शाहरुख खान दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन के मुकाबले बतौर एक्टर कुछ भी नहीं है, और खुद शाहरुख इस बात को मानते हैं, क्योंकि स्टारडम अलग होता है और एक्टिंग अलग होती है। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, ये तीन ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं, स्टारडम, सुपरस्टारडम भी और एक्टिंग भी। मगर आप खुद जानते हैं दोस्तों कि शाहरुख खान अपने कई रोल्स में बहुत हैमिंग करते हैं। दिलीप साहब या अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में शायद ही कभी हैमिंग की होगी। अगर फिल्म ही खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर शाहरुख खान के साथ मेरी यही शिकायत रहती है कि कई अच्छे किरदारों को उन्होंने कभी कभी ओवर एक्टिंग का शिकार बनाया है, मगर इस बात से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शाहरुख खान ने वो कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया। तो शाहरुख खान को चुनौती कौन दे सकता है दोस्तों? इस वक्त तमाम नाम मैंने आपके सामने दिए थे मगर दो संजीदा किरदार हैं, दो संजीदा चैलेंजर्स हैं, ऋतिक रोशन और सनी देओल। ऋतिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो फोकस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, एक फिल्म करके 3-4 साल के लिए गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। सनी पाजी अब जाकर कह रहे हैं कि मैं अपनी एक्टिंग पर फोकस करूंगा, मगर यह ना भूलें दोस्तों कि सनी पाजी आज की तारीख में सफल हैं तो गदर जैसे ब्रांड की वजह से, और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि सनी पाजी जो हैं उन्होंने लाइफ में सिर्फ दो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स दी हैं, वो है गदर 1 और गदर 2। उसके अलावा जितनी भी उनकी फिल्में रही हैं या तो वो हिट थी या सुपर हिट थी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स नहीं थी जैसा कि अमिताभ, दिलीप और शाहरुख देते रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहने को ऋतिक और सनी चैलेंजर्स हैं मगर शाहरुख वाला मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। मगर दोस्तों ये जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है। 67 साल की उम्र में अगर सनी पाजी गदर 2 जैसी फिल्म दे रहे हैं, गदर 3 आने वाली है, बॉर्डर 2 आने वाली है, तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 70 साल की उम्र में सनी देओल देश के सुपरस्टार बन जाएं। कुछ भी हो सकता है, किसी चीज से इनकार मत कीजिए, क्योंकि शाहरुख 57 साल की उम्र में जो जादू कर रहे हैं कितने लोगों ने कल्पना की थी? हाँ, समझ रहा हूं मैं, शाहरुख खान के फैंस ने की होगी। और जाते आते दोस्तों, शाहरुख खान का एक और गाना जो ऐसा लगता है उन्हीं के लिए बनाया गया था, उन्होंने गाया था, उन्होंने शायद फ्यूचर देख लिया होगा,
सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। नमस्कार, फिल्मी बातें विद अभिसार।